बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, इस कलयुग में मनुष्य का उद्धार कौन से उपाय से संभव हो सकेगा? कोई ऐसा तप बताइए जिससे कोई थोड़े समय में ही पुण्य मिल जाए और मन वांछित फल भी मिले, ये सभी जानने की इच्छा रखते हैं। तब पुराणों की ज्ञाता सूत जी बोले, मैं आप लोगों को ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा जो नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। आप ध्यान से सुनिए। एक बार नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से मृत्यु लोक आ गए और उन्होंने सभी प्राणियों को अपने कर्मों का फल भोगते दुखी होते देखा। इसके समाधान हेतु वे शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान के पास आ गए और मनुष्यों के दुखों को बताया और उपाय पूछने लगे। श्री हरि बोले, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य जीवन में सुख भोग कर मोक्ष को पाता है, दुख शोक दूर होता है। इस व्रत को पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ करें। घी दूध फल गेहूं का आटा शक्कर लेकर भगवान को भोग लगाएं, भजन कीर्तन करें, सभी को प्रसाद वितरित करें, उसके बाद स्वयं भोजन करें। श्री हरि ने मृत्यु लोक से मोक्ष का यह उपाय बताया। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिजनों, जिसने पहले इस व्रत को किया उसके बारे में सुनो। काशीपुरी एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण था। वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन भगवान वहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और ब्राह्मण से पूछते हैं कि तुम इतनी दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? ब्राह्मण कहता है, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ, आप ही कोई उपाय बताएं। तब वह ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन इच्छा फल देते हैं और सारी दुखों से मुक्त कर देते हैं। व्रत का सारा विधि विधान उस निर्धन ब्राह्मण को बताकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। निर्धन ब्राह्मण ने व्रत किया और उसे उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन भी मिला। उसने विधि विधान पूर्वक व्रत संपन्न किया और वह हर माह यह व्रत करता रहा और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो गया। और इस प्रकार जो भी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा करेगा वह दुखों और पापों से छूट जाएगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। सूत जी से ऋषिगण कहते हैं, और किसने इस व्रत को किया? हम ये सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, एक बार वही ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ पूजा की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह बूढ़ा आदमी ब्राह्मण के घर के अंदर आया और पूजा करते देख उसने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, कृपया मुझे भी ये बताएं। ब्राह्मण ने व्रत की महिमा उस लकड़हारे को बताई और कहा कि इसी व्रत की कृपा से वह धन धान्य सुख वैभव को प्राप्त कर पाया है। लकड़हारे ने प्रसाद चरणामृत लिया और व्रत का संकल्प ले लिया। ऐसा सोचने मात्र से ही उसकी लकड़ियां 4 गुना दाम में बिकने लगी। उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूरी विधि विधान के साथ किया और समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत समय में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ। एक बार उल्कामुख नामक दानी राजा था जो अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी पर सत्यनारायण भगवान व्रत कथा कर रहा था। उसी समय वहां साधु नामक वैश्य आया जिसके पास बहुत सा धन था। वह राजा से व्रत के बारे में पूछने लगा। राजा ने व्रत का महत्व उस वैश्य को बताया।
वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मुझे पूरा विधान बताइए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। उसके कोई संतान नहीं थी। जब वह अपने घर आया, उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि वह संतान होने पर इस व्रत को अवश्य करेगा। लीलावती, जो कि उसकी पत्नी थी, भगवान श्री हरि की कृपा से गर्भवती हो गई। उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प याद दिलाया। साधु वैश्य बोला कि वह इस व्रत को अपनी पुत्री के विवाह की बात करेगा। पुत्री का विवाह सुयोग्य वाणिक पुत्र से कर दिया और विवाह होने के बाद भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अति अप्रसन्न हो गए। साधु पनिया अपने जमाई के साथ रत्नासारपुर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसके पीछे राजा के सिपाही थे। चुराया हुआ धन चोर ने वहीं रख दिया जहाँ साधु बनिया अपने जमाई के साथ रहता था। राजा के सिपाहियों ने ससुर और जमाई दोनों को पकड़ लिया। राजा की आज्ञा से उन्हें कारावास में डाल दिया गया। सारा धन भी ले लिया गया। उधर साधु बनिए की पत्नी के घर में भी चोरी हो गई। वह अति दुखी थी। एक बार कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण भगवान व्रत को देखा। अपनी माता लीलावती से व्रत के बारे में बताया। लीलावती ने कन्या के वचन सुने और वह परिवार व बंधुओं सहित पूजा की तैयारी करने लगी और सत्यनारायण भगवान से वर मांगने लगी कि मेरे पति व जमाई को शीघ्र घर भेज दें, हमारे अपराध क्षमा करें। भगवान व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम दोनों वैश्यों को छोड़ दो, उनका धन भी वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य व धन नष्ट हो जाएगा। और वे अंतर ध्यान हो गए। राजा ने प्रातः काल होते ही दोनों को मुक्त कर दिया। उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण भी दिए। जितना धन लिया था उसका दुगना धन उन्हें वापस कर दिया और दोनों सकुशल घर आ गए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। तभी सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। सन्यासी भेष में भगवान ने पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। साधु बनिया कहता है, इसमें तो घास पत्ते भरे हैं। और हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारा मन धन लेने का है। दंडी सन्यासी रूप में भगवान ने निष्ठुर वाणी में कहा कि तुम्हारी ये बात सत्य हो जाए। ऐसा कह के वे समुद्र के समीप बैठ गए। जैसे उसकी नाव जल से ऊपर की ओर आई तो साधु बनिया घास पत्ते देखकर मूर्छित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, ये तो दंडी सन्यासी का श्राप है, चलिए हम उनकी शरण में चलते हैं। दामाद की बात मानकर वह साधु बनिया दंडी सन्यासी के पास आता है और आदर पूर्वक विनम्र भाव से कहता है कि मैंने जो आपसे असत्य कहा था, आप मेरे अपराध क्षमा करें। ऐसा कह के वह शोक से व्याकुल हो गया। उसे रोता देख के भगवान ने कहा कि मेरी पूजा के प्रति उदासीन होने के कारण तुमने इतने दुख प्राप्त किए हैं। ये सुन के वह कहने लगा, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते हैं, फिर मैं भला मूर्ख, मैं आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी सामर्थ्यानुसार पूजा करूंगा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी तथा मेरे धन की रक्षा करें। साधु बनिए की करुण भक्ति पूर्ण वाणी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वह साधु बनिया दामाद के साथ नाव में चढ़ते हैं, नाव को धन से भरी देख अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण पूजा करके नगर की ओर चल देते हैं। नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत उनके घर जाकर साधु बनिए की पत्नी को मालिक और दामाद के आने की सूचना देता है।
दूत की बात सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहती है कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके आ जाना। जैसे ही माता के वचन सुनती है, कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति से मिलने चली जाती है। प्रसाद की अवज्ञा से भगवान सत्यनारायण जी रुष्ट हो जाते हैं, नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो देते हैं। पति को ना पाकर नौका को डूबा देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख साधु बनी ने कहा कि हे श्री हरि, हमसे और हमारे परिवार से जो भी कोई भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करें। साधु बनिए के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम्हारे कन्या के प्रसाद छोड़ने के कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। घर जाकर प्रसाद ग्रहण करें तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है, फिर वापस आकर अपने पति को वहीं पाती है। साधु अपने भाई बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन करता है और अपने जीवन में सुख भोगता हुआ अंत में बैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवर, एक कथा और सुनिए। प्रजा पालन में लीन एक तुंग ध्वज नामक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर दुख भोगे थे। एक बार वह शिकार करके वन में बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। वह अभिमान के कारण पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही प्रसाद लिया और अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह नगर पहुंचा, नगर में सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। वह वापिस ग्वालों के पास गया, वहां जाकर विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद भी ग्रहण किया। राजा दीर्घ काल तक सुख भोगता हुआ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भाव से करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निःसंतान को संतान, निर्धन को धन, कोढ़ी को काया, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है और अंत में बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने भी इस व्रत को श्रद्धा से किया था उनकी दूसरे जन्म की कथा सुनो। शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर, लकड़हारे ने निषाद का जन्म लेकर, उल्का मुख नामक राजा ने दशरथ होकर, साधु बनिए ने मोर ध्वज बनकर, अपने पुत्र को आरे से चीरकर, राजा तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए इन सभी ने अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण।